हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है। वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स से कौन कनेक्ट होना चाहता है? प्लीज माइंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर्स से कौन कनेक्ट होना चाहता है? जिसके ऊपर आप स्टक हैं या जो कहीं और स्टक है वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। कोई आपसे ऐसा हो सकता है, कोई सिचुएशन है जिसमें आप बुरे तरीके से स्टक हैं, वहाँ सेकंड चांस की एक कोई कुछ ऐसा आप लोग के बीच होने वाला है जहाँ पे सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग के बीच जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है आपको। जहाँ आप स्टक थे वहाँ पर कोई क्लैरिटी मिल सकती है आपको, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन है जो चाहता है इस रिलेशनशिप में कोई सेकेंड चांस की एक पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, जहाँ आप स्टक हैं, जिस सिचुएशन में आप रुके हुए हैं, वहाँ से कोई पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है। वो पर्सन आपको कोई टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, मेरे व्यूवर को कौन कनेक्ट करना चाहता है इस वक्त? किंग ऑफ फैंस, किंग ऑफ फैंस, किंग ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में कोई टू पर्सन हो सकते हैं जहां पर आप स्टक हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा आपके लिए कौन सा पर्सन बेहतर है, पास्ट वाला या फ्यूचर वाला। कोई ऐसा पर्सन, टू ऑफ फैंस, बिल्कुल यहाँ पर मुझे कोई आपकी लाइफ में टू ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे आपको किसके साथ जाना चाहिए। आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। कोई पास्ट वाला है, कोई कोई न्यू ऑफर है जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, कोई स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, या आप कहीं किसी की ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मतलब कि कहीं कोई और आपकी लाइफ में कोई टू ऑप्शंस बन रहे हैं। कोई पास्ट भी है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, कोई न्यू भी है, न्यू वन भी है जो आपकी तरफ कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे लड़के हैं तो दो दो ऑफर नज़र आ रहे हैं, और अगर कोई लड़की है तब भी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टू ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, जहाँ पर आप स्टक हो जाए। बिल्कुल डेविल के साथ मुझे यहाँ पर फिर टू टू ऑप्शंस की इंडिकेशन है। मतलब यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, आप स्टक तो हैं कि आपको करना क्या चाहिए। पास्ट वाले के साथ जाना चाहिए, पास्ट वाले के लिए रुकना चाहिए, यहाँ पर आपको या तो न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। ठीक है, पास्ट वाला पर्सन मुझे कोई टॉक्सिसिटी या तो कोई ऑब्सेसिव एनर्जी में, ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कोई आपको ऑब्सेसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो। ठीक है, नाइन ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन मुझे आप दोनों ही ऑप्शंस के लिए ओपन अप नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुद की ज़ात को, अपनी अपनी इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे पेज ऑफ फैंस, आपका अट्रैक्शन, आपका एक जैसे आप न्यू तो बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन लव लाइफ में आप खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे, खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ना पास वाले के साथ ना न्यू वन के साथ। जैसे आपकी तरफ कोई आ भी रहा है तो आप खुद को इतना, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको शायद सक्सेस नहीं मिलती, या यहाँ पर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा। आप शायद इसलिए किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे, मतलब कि आपको ऑफर्स मिल भी रहे हैं, या पास वाले में भी आप मुझे इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। पास वाला भी आ रहा है जहाँ आप स्टक हैं, लेकिन एक जो न्यू आ रहा है आप उसमें भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका एक लव लाइफ में लक नहीं चलता। यहाँ पर आपको हमेशा एक सैडनेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको हमेशा एक किसी से भी बिट्रे, आपको अभी तक यहाँ पर कोई खुशी नहीं मिली। आपको आपने बिट्रे देखा अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग देखी है रिलेशनशिप वाइज लेके, अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर। ठीक है, आप डिफेंसिव हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन खुद की ज़ात अकेले आप आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन किसी और के साथ नहीं करना चाह रहे। ठीक है, यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। लच्छी, ये डेविल क्या कर रहे हैं आप? आपको कंफ्यूज कर रहा है डेविल, इसलिए आया है। आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए। आपको आगे नए वाले इंसान के साथ जाना चाहिए। आप जैसे बहुत सोच सोच के परेशान होंगे एक टाइम पे, आपको करना क्या चाहिए। जब ये ऑफर आपके सामने आएगी, एक पास्ट वाले की भी और एक नए वाले की भी, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको करना क्या चाहिए।
दी एम्परर। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होके कोई फैसले करना चाहिए जो आपके, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सेटिस्फाई करे, उन चीजों में रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सही कहीं आपको कमिटेड कर होना चाहिए, आप रेडी हैं मेंटली तौर पर, आप प्रिपेयर हैं, तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको सिंगल रहना चाहिए तो आपको सिंगल रहना चाहिए, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल वीक की भी एनर्जी, ऐसा हो सकता है आपने अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको जैसे करे जाया, आपको स्ट्रेंथ आई है, पास में जो आप बहुत ज़्यादा एक बिट्रे फील करते थे, बैक स्टेपिंग फील करते थे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, लेकिन आप इस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है आपके पास, लेकिन यहाँ आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते जो आपको एक पेज की एनर्जी में आए, लेकिन पास वाला पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को सोचकर किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, आप पास पास वाली लाइफ दोबारा अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, ठीक है? आप पास को वापस सोचना नहीं चाहते, आप पास को वापस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते जो आपके साथ पास में हुआ। आप पास की वजह से किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप किसी को चूज नहीं कर पा रहे, आपका जैसे हार्ट हार्ट चक्रा ओपन अप नहीं हो पा रहा, आप पास को रिलीज नहीं कर पा रहे, शायद इसलिए किसी पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत वो ही उस पर्सन की, उस वक्त ही उसका वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, ठीक है? जिस वक्त आपको उस इंसान की नीड थी कि हाँ ये आपको यकीन था कि इस टाइम पर ये पर्सन मेरा साथ देगा या ये मेरे बैक पे है, तो वो कभी उस टाइम आपको वो सुकून वो पीस नहीं मिला उस इंसान से। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर किसी के साथ तो आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, चाहे आप जितना ही कोल्ड और डिटैच हो, लेकिन कोई पर्सन मुझे आपके साथ जैसे आपको ओपन अप करवाने के लिए कोई बातचीत कर सकता है, कोई आपको सोशल मीडिया साइट से कोई मिल सकता है जिससे जो पर्सन सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करना चाहे। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर किसी ऑब्सेसिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए और सिंगल रहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच समझ कर कोई फैसला करेंगे, किसी भी ऑब्सेसिव एनर्जी में नहीं जाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर जहाँ पर आपको लगेगी नेगेटिविटी, जहाँ आपको लगेगी टॉक्सिसिटी, आप उस कॉर्ड को कट कर देंगे। आप इस वक्त आप बिल्कुल कंप्लीटली एक स्ट्रेंथ में हैं, आप इस वक्त अपनी ही पावर में, आप जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट के लिए दरवाजे ओपन हैं। पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपकी लाइफ में आएगी, नेगेटिव मैनिफेस्ट नेगेटिविटी अगर आप मैनिफेस्ट कर लेंगे तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, किसी नेगेटिव चीज़ को। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि पास से निकले, उसको रिलीज करें, पॉजिटिव साइड में रहें, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। वैसे भी हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, अगर आप लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कल, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को बार बार सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, चाहे वो पर्सन कुछ कर रहा है कर रहा है कर रहा है, नहीं भी करता वो होता वो कर लेगा, पूछे क्यों? यहाँ पे ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। वो पर्सन ऐसा नहीं भी कर रहा होता तो पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई आपको लग रहा है सामने खाई है तो ज़रूरी नहीं है खाई हो, शायद जब तक आप वहाँ पर पहुँचे एक रोड बन चुका हो, तो आप पॉजिटिव रहें, आप अपना गुमान अच्छा रखें, गुमान अच्छा रखेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक्स हैं, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, आप स्टेबिलिटी तो चाहते हैं लेकिन मेंटली ब्लॉक हैं आप, मेंटली ब्लॉकेजेस है। आप यहाँ पर किसी के ऊपर कंप्लीटली ना ट्रस्ट पर कर पा रहे हैं, ना किसी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, नाइन ऑफ स्लीपलेस नाइट रही है ये पर्सन। जो भी इस पर्सन ने आपको पास्ट में वो वैल्यू नहीं दी, वो उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा, अब आपके पास ऑफर्स हैं, अब आपके पास लोग हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस बने हुए हैं, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते तो हैं, लेकिन आपका उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। कोई नया आ रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप खुद को पूरे तरीके से ओपन अप नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा आप एक तन्हा हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे, साइलेंट मूड पर हैं, स्टॉकिंग चल रही हो सकती है, किसी ना किसी को कहीं से स्टॉक सोशल मीडिया साइट से कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन, आपका दिल टूटा हुआ है। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो कोई स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, मैरिज ऑफर लेकर आ रहा है, कोई कमिटमेंट लेकर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आप इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे है टू ऑफ कप्स के साथ, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। सिक्स ऑफ पेंट्स के साथ, ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाह रहा है, ठीक है? किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए डीप डाउन बहुत ज्यादा इमोशंस फील कर रहा है, ठीक है? इमोशनल है ये, मुझे पास्ट लग रहा है आपका,
जिसको पास्ट में आपकी इमोशंस की रियलाइजेशन नहीं थी, आप इमोशनल है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त आपसे कनेक्टेड नहीं है, ना इन ऑफकोर्स एक ड्रीमी वे में है, बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहा है कि आपके साथ लाइफ होगी, फैमिली होगी, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ हर ख्वाहिश पूरी होगी। स्लोली बट श्योरली अपने अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करना चाहता है, आपके साथ आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन कोई बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, जो आपका पास्ट रहा है उसने कभी आपको अपने आपके ऊपर अपने इमोशंस को ओपन अप तरीके से आपको कभी बताया नहीं। मतलब कि एक अगर इसने बहुत अकड़ू रहा, अपनी चीज़ें आपसे हाइड करी, आपको ना ये कहा कि आपके लिए इमोशनल है, ना आपको ये कहा ये आपके अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब कि कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने किया जो किया इस रिलेशनशिप में, एफर्ट मुझे आपकी नज़र आ रही, ना कि किसी और थर्ड पर्सन की। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई मैसेज कॉल मैसेज टेक्स्ट कर सकता है, डेथ इस एंडिंग को रीबर्थ करने आ रहा है, तो आ रहा है ये पर्सन। ऑप्शन तो आपके पास इसके अलावा भी हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट जो करेंगे वो इसी पर्सन का करने वाले हैं, क्योंकि कोई एंडिंग आपके सामने एक रीबर्थ में चेंज होने वाली है। यहाँ पर आ गया क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, एम्प्रेस और एम्परर। पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बिहेव करा, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिवली बिहेव करा, उतने ही आपने इसको नर्चर किया, केयर किया। ये पर्सन इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, कुछ है जिसको आप में दिखा किसी और में नहीं दिखा। बहुत बुरे तरीके से आप लोग की इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बिट्रे हुआ है, किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन की वजह से एंडिंग हुई है, चाहे आपको यहाँ पर डाउट हुआ हो, चाहे यहाँ पर सच में ये थर्ड पार्टी हो, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में पेजेस की एनर्जी में था। ठीक है, कम्युनिकेशन होने वाली है आपके पर्सन से, आपके इस पर्सन के किसी पास्ट के बारे में, मतलब कि ये पर्सन आपसे किसी पास्ट के बारे में कम्युनिकेशन करेगा, फिर आपका रिलेशनशिप एक टेन ऑफ पेंटिकल की तरफ जाएगा। मतलब कि बिगनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में। एक जो आप लोगों ने एक ट्रॉमेटिक फेज देखा, एक ड्रामा देखा, नेगेटिविटी देखी, आप उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को आप जैसे आपके माइंड से वो चीज़ें निकलती चली जा रही हैं, आप उन सब चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जब आपको फेस करेगा, वजाहत करेगा, उस वक्त आपको जो रिलीफ मिलेगा वो किसी और ही लेवल का होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट कर रहा है, प्लीज माइंड सर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट करने वाला है, प्लीज माइंड सर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है, कौन इनसे कनेक्ट करना चाहता है। ट्विस्ट, विक्टिम, ये ऐसा पर्सन है जिसने पास में विक्टिम कार्ड प्ले करा था, वैनिटी, बैलेंस नहीं था आप लोगों के बीच, जो भी पर्सन है इसने बैलेंस नहीं किया आपके बीच, बहुत ज़्यादा इस वक्त सौरव में है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। मतलब कि किसी ना किसी वे में ये पास्ट है आपका, इनलाइटमेंट इसको जैसे यहाँ पर एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ने इसको क्लैरिटी दी है, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, किसी रिग्रेट में ये पर्सन बैलेंस बैलेंस बनाने के लिए आ रहा है, फॉरगिवनेस मांगने के लिए आ रहा है आपकी तरफ। ये सिचुएशन के लिए परसेप्शन, इसका परसेप्शन बदला है, ये विक्टिम नहीं है, इसको ये बात बहुत देर में समझ में आई, ये मिरेकल चाह रहा है ये इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर इसको कोई कन्फेशन आपकी तरफ आना आने वाला, शायद ये कुछ कन्फेस करेगा। ठीक है, ये आपको कुछ बताएगा, क्योंकि इसकी सोल चाहती है आपकी तरफ, ये आपसे ये बात करे। विक्टिम यहाँ पे कुछ कन्फेस करेगा, और ये विक्टिम कार्ड जो प्लेस ने करा था, ये सब कुछ ये एक क्लैरिफाई होने वाला है आपकी लाइफ में, जैसे आपको किसी वे में क्लैरिटी मिलने वाली, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। ठीक है, बस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।